नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। हिंदी के जो मैंने बताया था तत्सम तत्वों को पहचान कैसे की जाए, इसको ट्रिक कह सकते हो आप, या ये तरीका है एक सवाल को समझने का, उसे सही करने का, बल्कि रटने के बजाय। हम ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं। मैं यदि आपके समय में तैयारी कर रहा था तब मेरे भी ये कंडीशन थी कि मैं जो शब्द दे रखे हैं उनको ऐसे कैसे याद करने की या रटने की कोशिश कर लेता था। फिर बाद में यदि ये पता लगाया जाए कि इसमें अंतर कैसे किया जाए, बिल्कुल अगर पता चल जाए तो कई शब्द जो ऐसे मिलेंगे जो हमारे पढ़े हुए नहीं हैं तो उन्हें भी सही किया जा सकता है। तो इसके लिए इस तरीके को फॉलो करना जरूरी है। मैं बता रहा हूँ आपको, यदि अच्छा लगता है तो आप इस फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपना परंपरागत तरीका तो जो अपन फॉलो करते हैं वह है ही। तो दूसरा तरीका जो नवाचार है, तो उससे जो है आपकी राह आसान हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए समझते हैं इसको कि तत्सम तद्भव की पहचान कैसे की जाए। तो साथियों, जैसा आपको पता तो है कि तत्सम जो है यानी कि संस्कृत के समान, यानी संस्कृत से ऐसे कैसे शब्द जो उठाकर लिए गए वो तत्सम है, और उसके बाद में उनमें जो बदलाव आया है और फिर जो शब्द लिए गए वो तद्भव है। तो अब इनमें पहचान यानी कि संस्कृत से लिए तो संस्कृत की बातें दिखेंगे। अब इसमें से कुछ वर्ण और कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है बस, उसके बाद में आप पाएंगे लगभग, ज्यादा भी नहीं कहूं है अगर तो 90% सवाल आपके इस तरीके से सही हो जाएंगे। हाँ, 10% में हो सकता है कि कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें ये लागू नहीं होता, लेकिन 90% सही होने के चांस रहेंगे। अब तत्सम में क्या ध्यान रखना है साथियों, एक तो आपको मिलेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर यानी दो वर्णों से मिलके बने हुए, दो अक्षरों से मिलके हुए, जैसे कि क्ष त्र ज्ञ, ये सब संयुक्त अक्षर है। तो ये ज्यादातर आपको तत्सम के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अभी अपन कुछ उदाहरण देखेंगे, उसमें ये चीज पता चलेगी। ये क्या है, री की मात्रा है। री की मात्रा जैसे कृषि, तो उसमें री की मात्रा लिखी हुई है, तो वह चीज भी आपको किसमें मिलेगी, तत्सम शब्दों के अंदर मिलेगी। र की मात्रा है यानी कि इसमें रेफ भी हो सकती है, पदेन भी हो सकती है। यदि किसी ने हिंदी विस्तृत तरीके से व्यवस्थित पढ़ी है तो रेफ और पदेन के बारे में परिचित होंगे। रेफ भी हो सकती है, ऊपर लगने वाली भी हो सकती है और नीचे लगने वाली भी हो सकती है। अब ये देखो, दोनों तरह की मैंने मात्राएं आपको बता रखी है, यानी कि र की जो मात्राएं लगेगी वे सारी की सारी आपके ज्यादातर आ जाएगी इसमें तत्सम शब्दों के अंदर। और क्या है, आधे अक्षर। आधे अक्षर यानी कि आप कई जगह देखते हैं ना, डाई अक्षर प्रेम के है कि नहीं, तो प्रेम के डाई अक्षर है, तो आधा अक्षर उसमें आया है कहीं ना कहीं। तो जितने आधे अक्षर है ज्यादातर वे आ जाएंगे आपके तत्सम शब्दों के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यह ज्यादातर जो है तत्सम शब्दों के अंदर प्रयोग होता है, और यही तद्भव में जाकर ज में बदल जाता है। न, ये वाला जो है ये भी आपके अधिकांश देखने को मिलता है, कई सारे उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें तत्सम में प्रयुक्त होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। और इसके बाद में तद्भव में जैसे कि ये आपके क्ष है तो ये ख में बदल जाता है, कई बार छ में बदल जाता है, और ये वाला जो स है, शायद मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये स और ये स, स और स यानी कि शलजम और षटकोण, और यहाँ पे आपके आ जाएगा ये, तो ये दोनों स बदलकर यहाँ पर इस स में बदल जाते हैं। यहाँ पे ये व आता है ज्यादातर, यहाँ पे आपके व आता है और यहाँ पे आकर ये ब में बदल जाता है। यहाँ पे व, वहां पे तद्भव के अंदर ब में बदल जाता है। तो यानी कि ये अगर ध्यान में रख लोगे ना, इतनी चीज आपके कि संयुक्त अक्षर है, ये र है, ये रेफ की मात्रा है, जितनी भी है र की, री की मात्रा है, आधे अक्षर है, य ण श श व, ये सारी जो चीजें हैं ये ज्यादातर आपको तत्सम के अंदर मिलने वाली है। और तद्भव के अंदर आपके एक तो इस चंद्र बिंदु वाले ज्यादातर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि तत्सम में नहीं मिलते, लेकिन अधिकांश आपको इसमें मिलते हैं। ये ज जो है ये मिलता है, ये य ज के अंदर बदल कर यहाँ पे मिलता है, तो ये तद्भव के अंदर कैसे मिलते हैं गुरुजी? तो देखो, ये कृषक, ये तत्सम है इधर वाले और इधर वाले तद्भव है। अब देखो, इसमें एक तो ये री की मात्रा आ गई, ठीक है, ये आ गई, एक ये स आ गया, ये आ गया, तो ये यहाँ पे जा रहा है किसान, ये देखो ये स आ गया, तद्भव के अंदर चला गया। आम्र, ये र की मात्रा आ गई, आम सीधा का सीधा, यानी सीधे सीधे जो अपने हिंदी से परिचित लगते हैं, जो सीधे सीधे शब्द है या फिर थोड़ा सा देसी टच लिए हुए हैं, तो वे आपके तद्भव के अंदर चले जाते हैं। अब आम, आम जो आम बोलचाल की भाषा है, तो ये आम इसके अंदर, और आम्र, आम्र आ गया र की मात्रा वाला इधर। वन, तो वह मैंने बताया आपको अभी, यहाँ पे ये वह इधर आ जाएगा और यहाँ पे जाकर वन बन जाता है, ठीक है ना। आश्चर्य, अब देखो ये ऊपर मात्रा लगी है, ये आ गया आपके इसके अंदर और यहाँ पे सीधा सीधा अपने अचरज है ना। अग्नि, आधा अक्षर मैंने बताया था आपको, ये ग आधा अक्षर है और यहाँ पे आग,
तो आप ज्यादातर इसके बाद में, इस क्लास के बाद में आप तत्सम और तद्भव के सारे उदाहरण पढ़े एक बार और आप देखें, खुद परखें, लगभग लगभग आपको मिलेगा 85-90% कि हाँ गुरुजी आपने बताया वे चीजें इसमें लागू हो रही है। तो अग्नि देखो आधा अक्षर अगम्य, आधा अक्षर अगम, आशीष ये देखो ये दोनों स आ गए ना, यहाँ पे जाके ये बदल गया। ओष्ट आधा अक्षर भी है और षटकोण वाला स भी है, ओंट में बदल गया। कुपुत्र ये देखो आपके आ गया, क्या कहते हैं संयुक्त अक्षर, कपूत में बदल गया। कूप ये कुआ में बदल गया, ये चंद्र बिंदु आ गया इसके ऊपर। कंटक कांटा में बदल गया, ये आ गया देखो। ग्रामीण आधा अक्षर है, ये ण है और ये गवार में बदल गया है ना। जीर्ण तो ये देखो ण है, ऊपर र की मात्रा, ये जीना में बदल गया, ये ज आ गया। स्वर्ण तो स्वर्ण में भी आपके ये पकड़ना है आपको, ये देखो। अब मैंने इसमें से कुछ कुछ उदाहरण लिखे हैं, सारे उदाहरण एक साथ मैं नहीं करवा सकता और आप सभी के पास में उदाहरण है ढेर सारे, तो उनको पढ़े, इसके बाद में इस चीज को आप मिलान जरूर करना कि हाँ ये चीज है। अब बात करते हैं साथियों, ये चीज तो हो गई। देखो तत्सम और तद्भव तरीका सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है, कि ऐसे भी तो कई उदाहरण मिलेंगे जो आपके पढ़े हुए नहीं होंगे, है ना। और ज्यादातर एग्जाम में तो लगता है अपन को यही कह रहे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये वाला आ गया, यही मैंने छोड़ा था और यही आ गया, ऐसे ज्यादातर कंडीशन बनती है। तो इसमें क्या होता है कि ये चीज आपने इस तरीके से ध्यान में रखी तो कहीं ना कहीं आप उसके उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द ऐसा है साथियों कि मेरे साथी अध्यापक है मुन्ना लाल जी विष्णु, जो एसआई की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे, सिर्फ कर ही नहीं रहे, मुझे पूरा विश्वास है कि एक सीट उनकी पक्की है और इंटरव्यू इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो उनके द्वारा बहुत बढ़िया प्रयास किया गया। देखो ऐसे अपन बहुत सारे शब्द पढ़ते हैं तो क्या लगता है कि कोई शब्द किसी के अंदर मिक्स हो रहा है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किया और उसको एक कहानी के रूप में बनाने का प्रयास किया। ये मैं दो बार टेलीग्राम ग्रुप पे साझा भी कर चुका हूँ, एक बार कम्युनिटी टैब में भी डाला है अपने चैनल के, आज फिर से मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। एक बार मैं यहाँ पे प्रयास करता हूँ कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये देखो इस तरीके से इन्होंने मतलब अरबी और फारसी दोनों के ये बना कर दिया था। एडिटिंग तो मैंने ही की है हालांकि, लेकिन ये मेहनत इस चीज के पीछे जो है अरबी फारसी शब्दों के इस तरीके से बनाने की, ये मुन्ना लाल जी को जाती है, इसके लिए उन्हें साधुवाद। और आप कोशिश करें एक दो बार इसे पढ़ लोगे, आपके दिमाग में रहेगी ये चीज, और यदि आपके वहां पे एग्जाम हॉल में प्रश्न मिलते हैं और इससे सही हो जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है। तो ये चीजें हैं साथियों जो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। अब जो है ये जैसे आप 20-25 दिन बचे हैं, अब इसमें आपको घबराना नहीं है। एक तो क्या पॉजिटिव मतलब अंदर से रहो, आप लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, डर लगता है, सभी को लगता है, लेकिन घबराना नहीं है, पॉजिटिविटी बना के रखें अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है जितना मतलब आप सोचते हो कि अरे इतने फॉरम है इतने वो है, कुछ भी नहीं है। पढ़ने वाले मैंने आपको बताया 5-10% ऊपर के लोग होते हैं जो व्यवस्थित तरीके से लेकर चलते हैं उस चीज को और व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। फॉरम सब जगह आते हैं लेकिन कट ऑफ और मेरिट देखी जाए तो लगभग लगभग हर बार जो है वो उसके आंकड़े के आसपास, कोई ऐसी नहीं है कि 100% मेरिट चली जाएगी, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अपने आप को अंदर से मजबूत रखें, इधर उधर भटकने की बजाय है बढ़िया जो किताबें पढ़ रहे हैं रिलैक्स माइंड से एकदम, देखो चिंता को दुश्चिंता में बदलने मत देना, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आराम से जितना हो सकता है इन दिनों में उतना करें, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।